2023 की कौन सी ऐसी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें अपार धन की प्राप्त होगी? कौन सी ऐसी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिनका करियर का ग्राफ बहुत ही ऊपर चढ़ने वाला है? कौन सी ऐसी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिनका अपना खुद का मकान होगा, खुद का बंगला होगा, खुद का गाड़ी होगा? कौन सी ऐसी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी शादी इस साल होकर ही रहेगी? कौन सी ऐसी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें उत्तम संतान की प्राप्त होगी? अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया मित्रों, तो निश्चित ही आप बहुत कुछ खोएंगे। मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आइए इस पर हम विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं कि कैसा रहने वाला है 2023 उन तीन भाग्यशाली राशियों के लिए। वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनका 2023 में बहुत कुछ मिलने वाला है। मित्रों, 2023 में तीन ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। धन के लिए यह साल उनका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साल रहने वाला है। चाहे वो काम करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे चाहे किसी भी फील्ड में हों, उनके ऊपर पैसा बरसेगा। यदि वे लोहा को भी छू देंगे तो वह सोना हो जाएगा उनके लिए। वह तीन भाग्यशाली राशियां हैं मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। इन राशि वालों को इस साल में धन के बारे में बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। अब आइए देखते हैं वह कौन सी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें करियर के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। करियर का ग्राफ उनका बहुत ही ऊंचा चढ़ा रहेगा। बहुत दिनों से यदि वे किसी नौकरी को खोज रहे हों, कोई व्यवसाय को करना चाह रहे हों, तो यह साल उनके लिए बहुत ही उत्तम है और वे जो चाहें सो कर सकते हैं। करियर का ग्राफ उनका ऊंचा उठना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वो तीन भाग्यशाली राशियां हैं वृष, तुला और मीन। हालांकि मीन के ऊपर शनि की सहरसाती शुरू होने वाली है, लेकिन इससे कोई उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, खास करके करियर को लेकर। अतः ये व्यक्ति करियर को लेकर इस साल बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए। वे करियर का ग्राफ जितना अपनी मर्जी से बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ेगा, लेकिन हाँ, कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। अब आइए हम उन तीन राशियों को देखते हैं जिनका इस साल में भाग्योदय होने वाला है। बहुत दिनों से यदि उनका भाग्य रुका हुआ था, फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो इस साल निश्चित ही उनका भाग्योदय होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। वे राशियां हैं सबसे प्रथम मेष, फिर मिथुन और तीसरा वृश्चिक। ये तीन राशियों का इस साल निश्चित ही भाग्योदय होगा। अब यह भाग्योदय किस रूप में आएगा ये समय बताएगा, लेकिन निश्चित ही आने वाले 2023 में इनका भाग्योदय होकर ही रहेगा। अब आइए देखते हैं वे तीन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके पास इस साल में खुद का अपना घर होगा, मकान होगा, बंगला होगा, जमीन होगा, जायदाद होगा और वाहन होगा। ये तीन भाग्यशाली राशियां हैं वृष, कन्या और वृश्चिक। यदि बहुत दिनों से ये खुद के मकान का सपना संजोए हुए होंगे, वाहन खरीदने का सपना संजोए हुए होंगे, तो इस साल में निश्चित ही ये चीज इनको प्राप्त होगी। भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों में से कोई भी चीज इनको अवश्य मिलेगी। अब आइए देखते हैं वह कौन सी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी शादी इस साल में होकर ही रहेगी। यदि वे शादी की उम्र में हैं, तो कोई भी दोष उन पर हावी नहीं होगा, चाहे वह मंगला मंगली का दोष हो या शनि की सहरसाती का दोष है। निश्चित रूप से ही उनकी शादी इस साल में होकर ही रहेगी। वे भाग्यशाली राशियां हैं मिथुन, सिंह और मकर राशि। अब आइए देखते हैं कौन सी ऐसी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होने वाली है, उत्तम विद्या की प्राप्ति होने वाली है तथा लव एवं रोमांस की प्राप्ति होने वाली है। ये तीन भाग्यशाली राशियां हैं तुला, सिंह और मीन। कोई भी दुष्प्रभाव इस तीनों राशि के ऊपर इस साल में इस फील्ड को लेकर नहीं लगने वाली है। इन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी ही यदि ये संतान करने के इच्छुक हैं। इन्हें उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी ही यदि ये विद्यार्थी हैं, और इन्हें उत्तम लव और रोमांस की भी प्राप्ति होगी यदि वे प्यार के इच्छुक हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार।